आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। मुंगेली में बाबा गुरु घासीदास की जयंती, जयंती पर होगा भव्य मेले का आयोजन। लोरमी में कुपोषित बच्चों को सुपोषित करने की योजना, लोरमी में बनाया गया कुपोषण भवन। कोरबा में प्रार्थना भवन का हो रहा निर्माण, हिंदू सभा ने निर्माण पर जताई आपत्ति। भरतपुर में तेंदुए ने किया महिला पर हमला, महिला की मौके पर हुई मौत। कोरबा में मुआवजे के लिए भटक रहे किसान, डीएम ने लगाई न्याय की गुहार। नमस्कार, मैं हूँ ईशा भार्गव और आप देख रहे हैं प्राइम छत्तीसगढ़। तो शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के साथ। मुंगेली में बाबा गुरु घासीदास जी के जयंती कार्यक्रम में भव्य मेले का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शिरकत करेंगे। तो वहीं उनके आगमन को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर राहुल देव ने मेला स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही कलेक्टर ने पंडाल व्यवस्था, बैठक व्यवस्था, बैरिकेडिंग, पार्किंग, साफ सफाई समेत कई व्यवस्थाओं को पहले ही सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। बता दें कि बाबा गुरु घासीदास की जयंती में 18 दिसंबर को भव्य मेले का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुपोषित बच्चों के लिए कई योजनाएं संचालित कर रहे हैं। इसके लिए मुंगेली के लोरमी में कुपोषण भवन बनवाया गया है, जहाँ कुपोषित बच्चों को मुफ्त इलाज के साथ ठहरने और खाने पीने के साथ माताओं को प्रतिदिन के हिसाब से 150 रुपये भत्ता भी मुहैया कराया जा रहा है। जहाँ क्षेत्र के जनप्रतिनिधि सहित समाज सेवी संस्था कुपोषित बच्चों को लगातार मदद करने पहुँच रही है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, यहाँ सभी प्रकार के लोग आ रहे हैं। हमारे राजनीति से जुड़े हुए कांग्रेस के नेत्री लोग भी पहुँचे हैं, समाज सेवक के लोग भी आ रहे हैं और यहाँ दूर दराज से महिलाएं अपने बच्चों को लेकर आई हैं। ये सेकंड ये चल रहा है, पहले पेज का पता लगा हमको, जो बच्चे आए थे कुपोषित वो बच्चों का वजन बढ़ा। और यहाँ जो व्यवस्था देख रही हूँ बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, यहाँ डॉक्टर भी उपलब्ध है, नर्स लोग पूरे तैनात हैं, महिला बाल विकास के सभी कर्मचारी अधिकारी लोग उपस्थित हैं। कोरबा के पश्चिम के पावर प्लांट के राग के लिए डैम बनवाया गया था, जिसमें 1983 से 84 में कुछ लोगों को नौकरी भी दी गई, लेकिन आज तक मुआवजा नहीं दिया गया है। तो वहीं सालों तक नौकरी और मुआवजे के लिए भटकने के बाद किसानों ने कलेक्टर को शिकायत दर्ज कराई है। डांगनिया से आए हैं, बलगी पोस्ट है और हमारी जमीन सरकार ले है, बहुत दिन हो गए तो हम नौकरी मुआवजा आए हैं। कहाँ आए हो? कलेक्टर साहब कह रहा है। अगर आपको की मांगे पूरी नहीं होगी तो क्या करोगे? यहीं बैठे रहेंगे। डगनिया खार से हूँ मैं, बलगी पोस्ट है हम लोगों का, तहसील दर्री अभी वर्तमान में। और हमारी समस्याएं जो है बहुत विकराल कहना चाहिए, क्योंकि 1983 से हमारी ज़मीन अर्जित हुई है, CACB ने अर्जित की है, लेकिन आज तक न तो हमको नौकरी दिया गया है और न ही मुआवजा दिया गया है। इसी संबंध में हम लोग आए हैं और कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपने के लिए। लगभग कितना परिवार होंगे? हमारे यहाँ से 54 किसानों का अर्जित हुआ है ज़मीन जो है, और हम लोग शासन प्रशासन से भी हम आवेदन दे चुके हैं, लेकिन इस बारे में कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। सक्ती के स्टेट बैंक के सामने छोटे भाई ने बड़े भाई को बुरी तरह से पीट पीट कर घायल कर दिया। वारदात के बाद खून से लथपथ बड़ा भाई तड़पता रहा, जिसके बाद आसपास के लोगों ने देखा और उपचार के लिए अस्पताल ले गए, जहां उसे प्राथमिक उपचार दिया गया। बाद में घायल को बिलासपुर रेफर कर दिया गया। वारदात के बाद आरोपी छोटा भाई फरार हो गया है, जिसके पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
शक्ति थाना क्षेत्र अंतर्गत बाराद्वार रोड निवासी कुलदीप यादव और उसका भाई शिवांत यादव रहते थे। दोनों भाई में शनिवार रात को नशा करके आपस में विवाद हुआ और जिस पर शिवांत यादव ने उस पर प्राणघातक हमले कर दिए और उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है, घायल है, बिलासपुर हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है उसका। आरोपी शिवांत यादव को पुलिस गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर रही है और इसमें अभिवेशना की जा रही है। कोरिया में 15 हाथियों का दल कैलाशपुर पहुंचा तो वहीं हाथियों ने किसानों की फसलों को भी क्षति पहुंचाई है। साथ ही हाथियों के झुंड ने एक मकान को भी तोड़ दिया तो वहीं वन विभाग हाथियों पर नजर बनाए हुए है। कोरबा के ग्राम कोरकोमा की एक मोबाइल दुकान में चोरों ने धावा बोलकर 8 मोबाइल समेत 2000 की रकम चोरी कर ली जिसे पुलिस ने पकड़ लिया है। 8 महीने पहले अज्ञात आरोपियों ने जय मां अंबे मोबाइल शॉप में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। IMI डिटेल प्राप्त करने पर पता चला कि अर्जुनगिरी गोस्वामी और मंगलगिरी गोस्वामी, जो अर्जुनगिरी मूलतः कोटमी के रहने वाला है, मंगलगिरी जो रहने वाला भारापारा थाना खार का, उनसे चोरी के मोबाइल अचानक बरामद किया गया है और बाकी मोबाइल का पतासाजी किया जा रहा है। आरोपियों को दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड भेजा गया है। इसमें आरोपी अर्जुनगिरी गोस्वामी आदतन चोर है ये पता चला है, जिसके बारे में भी और विवेचना की जा रही है। कोरबा में पाली थाना क्षेत्र के ग्राम नुनेरा में खेत में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच करते हुए शव की पहचान में जुट गई। बताया जा रहा है कि गांव में ही रहने वाले दो ग्रामीण खेत में काम करने जा रहे थे, इस दौरान उनकी उस लाश पर नजर पड़ी जिसकी सूचना गाँव के कोटवार को दी गई है। कोरबा के कुशमुंडा कालरी में ईसाई समाज में प्रार्थना भवन का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है जिसे रोकने के लिए हिंदू सभा के कार्यकर्ता ने निगम कार्यालय का घेराव किया। उन्होंने बताया कि 2 साल पहले निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था, तब उन्होंने आपत्ति जताई थी तो निगम अधिकारियों ने कार्य पर रोक लगा दी थी, लेकिन फिर से काम शुरू कर दिया गया है जो कि अवैध है। इसे रोकने के लिए निगम का घेराव किया गया है और जो बनवाने वाले थे उन्होंने बताया कि वो एक चर्च के रूप में, प्रार्थना भवन के रूप में उसको बनाया जा रहा है, जिसको लेकर हम लोगों ने 2 साल पहले करीबन 5-6 हफ्तों तक लगातार ज्ञापन शासन प्रशासन के सारे संबंधित अधिकारियों को दिए, उस पर कोई रिएक्शन नहीं हुआ। तो हम लोग 2 साल पहले इसी स्थान पर आके बैठे थे और उस 2 साल में यहाँ से निगम के संबंधित अधिकारी गए थे कुचना मोड़ हमारे साथ और वहाँ उसमें स्टे लगा दी गई थी और 2 साल बाद फिर से काम चालू हो गया और आज लगभग वो छत का रूप ले चुका है, 90% से ऊपर वहाँ बन चुका है और अभी संबंधित। कोरबा के हरदी बाजार चौकी क्षेत्र में जबरदस्त सड़क हादसा हो गया जिसमें साइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई। सुरई श्रृंगार चेक पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने ड्यूटी से लौट रही स्कूल के एक साफ सफाई वाले को अपनी चपेट में ले लिया जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम कर दिया जिसके बाद परिजनों को मुआवजे के तौर पर सहायता राशि दी गई है। कि हरदी बाजार बलौदा मार्ग पर सरई श्रृंगार खनिज बैरियर के पास एक ट्रेलर से एक्सीडेंट होने से एक व्यक्ति आहत हो गया है। पुलिस द्वारा तत्काल पेट्रोलिंग पार्टी भेज करके आहत को उपचार हेतु CHC दिपका भिजवाया गया था, जहां प्राथमिक जांच में डॉक्टर द्वारा उनको मृत घोषित किया गया है। मृतक टीकाराम पटेल, पिता नंदू पटेल, वर्तमान में बमनी कोना शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में भृत्य के पद पर कार्यरत हैं। ड्यूटी से हरदी बाजार वापस आते समय सरई श्रृंगार खनिज बैरियर के पास ट्रेलर क्रमांक CG12AT2903 के चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक चलाते हुए ठोकर मारकर एक्सीडेंट करने से टीकाराम पटेल की मौके पर मृत्यु हो गई है। चालक गाड़ी छोड़कर के फरार हो गया था जिसे सुरक्षार्थ ला करके चौकी हरदी बाजार में खड़ा किया गया। अंबिकापुर के गोधनपुर में हाई कोर्ट ने निर्माण और खरीद बिक्री पर रोक लगाए जाने के बाद भी निर्माण कार्य किए जाने का आरोप लगाया है।
युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर कार्रवाई की मांग की है। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष विकल झा ने दिए गए ज्ञापन में आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा पार्षद आलोक दुबे और परिजनों द्वारा स्थायी निर्माण और अनुबंध कर बिक्री कर रहे हैं, जहां भाजपा पार्षद आलोक दुबे और उनके परिजन पंचानन होटल के आगे अवैध निर्माण कर रहे हैं। गोधनपुर ये प्रतापपुर नाका से आगे लगभग 100 एकड़ का भूमि है, इसमें स्टे लगा हुआ है। रितू सेन मैडम कलेक्टर जब थी यहाँ पे, तो उस समय से सारी भूमियों में मतलब गोधनपुर के और वहाँ के मतलब पूरा मिला के सभी में स्टे लगा हुआ था। अभी अचानक से उसमें निर्माण पंचानन होटल से लगभग 10 मीटर आगे उसी के मतलब की रोड में निर्माण शुरू हो गया है, और ये निर्माण बहुत ही तेज़ी से मतलब कि 3-4 दिन में आप जाके देख सकते हैं कि आधा मतलब कि स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा हो चुका है। ये अब उसी परिवार के भाजपा पार्षद हैं आलोक दुबे और उनके परिवार, उन्हीं के माध्यम से मतलब कि या उन्हीं के द्वारा किसी के वो चीज़ से किया जा रहा है, उन्हीं का मतलब कि अपना कब्जा बताते हैं उस ज़मीन में, तो उन्हीं के वो चीज़ में किया जा रहा है, और इसी को रोकने के लिए आज हमने कलेक्टर साहब को यहाँ पे ज्ञापन दिया है। जांजगीर की सिटी कोतावली थाना क्षेत्र में ट्रेन से गिरकर युवक की मौत हो गई। मौके पर मिले युवक का आधार कार्ड, जिससे युवक की पहचान की गई है। युवक झारखंड के लारा का रहने वाला है। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। भिलाई के सिविक सेंटर में एक दुकान में आग लग गई, जिसमें किसी के भी आहत होने की खबर नहीं है, तो वहीं दुकान के अंदर का पूरा सामान जलकर राख हो गया है। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने आग बुझाई। कोरबा में भूखंड मालिकों ने निगम में बने प्लॉट को लेकर कलेक्टर से शिकायत की है। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि निगम ने प्लॉट तो बेच दिए, लेकिन मूलभूत सुविधाओं जैसे बिजली, पानी, नाली, सीवेज लाइन नहीं बनाई, तो वहीं निगम की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कोरबा पश्चिम का रहने वाला हूँ। हम लोग 2019 में निगम के द्वारा भूखंड आवंटन किया गया, प्लाट काटा गया और नीलामी के तहत, और उसको विस्तारित प्लाट बताया गया था पूर्णतः विकसित, क्योंकि हम लोगों के द्वारा ये रहा कि भाई बना लिया जाए मकान, निगम बनाएगा। अब लगभग 1-2 साल हो गए, 2-3 साल हो रहा है, और अभी तक वहाँ पर सीवरेज लाइन, नाली, बिजली खंभा, रोड किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं हुआ है। जांजगीर चांपा में जिला पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि चांपा के पहल पारा में हुए कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में सफलता मिल गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि सामुदायिक भवन के सामने रहने वाली पालाबाई के घर दो आरोपी बुजुर्ग महिला के घर घुसकर चोरी कर रहे थे, जिसके बाद चोरी करने के दौरान बुजुर्ग महिला जग गई और आरोपियों ने बुजुर्ग महिला की मुँह दबा कर गले में चाकू से वार कर हत्या कर दी। दर्ज कराया गया कि इनको लोगों से पता चला कि घोघरा नाला पहला पारा स्थित सामुदायिक भवन है, वहीं पर रहने वाली पालाबाई संवरा उसकी मृत हालत में पड़ी हुई है अपने घर में। इस पर से यह प्रार्थी जाकर देखा तो घर के अंदर जाकर देखा तो चित हालत में मृतिका पहलाबाई मृत अवस्था में पड़ी थी, उसके गले पास से खून निकल के साड़ी में लगा हुआ था। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा था। इस पर से थाना चांपा में धारा 302 भारतीय दंड विधान के तहत FIR दर्ज कर विवेचना में लिया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मामले की गंभीरता देखते हुए तत्काल आरोपियों की पतासाजी और मनेंद्रगढ़ के बेलभरा के पास जंगल में पेड़ कार से टकरा गई, जिसको रास्ते चल रहे एक राहगीर ने देखा और फेसबुक लाइव कर मदद की गुहार लगाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो वहीं इस हादसे में 2 युवक की मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला चिकित्सालय भेज दिया है। पूरी घटना मनेंद्रगढ़ थाना क्षेत्र की है। भरतपुर के MCB के वनांचल क्षेत्र के विकास खंड भरतपुर में महिला के ऊपर तेंदुए ने हमला कर दिया, जिससे महिला की मौत हो गई है। तो वहीं जंगल से महिला को खोजने गए परिजन को झाड़ी के नीचे महिला का शव लहूलहान हालत में पड़ा मिला। बता दें कि महिला के गले में गहरे घावों के निशान से तेंदुओं के हमले की आशंका जताई गई है।
11 बजे पत्ता तोड़ने निकले थे, सराई पत्ता। तो हम 4 बजे करीब खोजने लगे, नहीं आए तो देखा तो ये ऐसा मिला। घर से आए थे, पत्ता मुखारनी तोड़ने निकला था बाहर, होगा तो पत्ता तोड़ के चले जाऊंगी। फिर 3 बजे खोजने लगा गांव में, फिर नहीं मिला। फिर एक लड़का आए तो ओकर भतीजा 5 बजे, तो देखा वही टूट पड़ा। तो फिर अब गांव में जाकर बताए थे कि ऐसे ऐसे हाल हो गया, तो हम फिर गांव से आए थे तो देखे ये मेरा हाल हो गया। यहाँ ग्राम उधौरा के पास में कुदारी कुदरा में, और यहाँ पे एक महिला, बुजुर्ग महिला को तेंदुआ द्वारा घायल कर दिया गया है, काट लिया गया है। तो वहाँ मौके पे पहुँच के हमारे साथ में पीआई साहब भी आए हैं, और अब उसको उठवा के ले जाएंगे, पोस्टमार्टम होगा उसका। इनको जो है तत्कालिक सहायता राशि इनके परिवार को जो भी है उसको देंगे। बिलसापुर में धोखाधड़ी के मामले में फरार महिला पुलिस SI मधुशीला सुरजाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने अधिकारी को उड़ीसा से गिरफ्तार किया है। बता दें कि महिला अधिकारी SP कार्यालय में फंड शाखा में पदस्थ थी। सिविल लाइन पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी है। छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV। नमस्कार। आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार। राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पर होगी हमारी नजर। न कोई शोर शराबा, न कोई एजेंडा। जिम्मेदारों से करते हैं तीखे सवाल। जनता के मुद्दों का रखते हैं ख्याल हम। पक्ष और विपक्ष के बीच निष्पक्ष खड़े हैं हम। निष्पक्ष और निडरता के साथ बात करते हैं हम, क्योंकि Prime TV है हम। चाणक्य की कूटनीति हूं मैं, आर्यभट्ट का आविष्कार हूं मैं, राजनीति की पराकाष्ठा हूं मैं, गरीबों की आवाज हूं मैं, क्योंकि प्राइम बिहार हूं मैं। प्राइम बिहार, सिर्फ Prime TV पर। डांस भी होगा, मस्ती भी होगी, लगेगा हंसी का जबरदस्त ठहाका, आधे घंटे होगा भरपूर मनोरंजन, जब आप देखेंगे मजेदार वीडियोस। वायरल स्टेशन, सिर्फ Prime TV।